शहरी ओलिया के वासियों के लिए बुरी खबर, बर्थ डेथ मैरिज तलाक दूसरी शादी के सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सकेंगे। नादरा ने मुल्तान लोकल गवर्नमेंट की तमाम यूनियन काउंसिल्स को ब्लॉक कर दिया है। मजीद इस हवाले से जानते हैं बिलाल नियाज़ी से। जी बिल्कुल, शहर ओलियात के वासियों के लिए बुरी खबर यह है कि मुल्तान में अब डेथ सर्टिफिकेट के लिए, उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट और शादी और दूसरी शादी और तलाक के जो सर्टिफिकेट जारी होते थे वो अब बंद किए गए हैं, क्योंकि नादरा की जानिब से जो लोकल गवर्नमेंट की 150 यूनियन काउंसिल हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। इस पर जो यूनियन काउंसिल की जो सेक्रेटरीज हैं वो लोकल गवर्नमेंट ऑफिस में मौजूद हैं और काफी बड़ी तादाद में जमा होकर नादरा हुकाम के खिलाफ सराप एहतजाज है। इस बात करने के लिए हमारे साथ जो लोकल गवर्नमेंट यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज मौजूद हैं, जरा हम उनसे जानते हैं उनका क्या मौकफ है। तकरीबन 5 दिन से नादरा ने बिल्कुल मुकम्मल ब्लॉक कर दिया। उससे पहले कुछ काउंसिलों को ब्लॉक कर रहे थे, कुछ को खोल रहे थे। इसमें मामला यह है कि जब फील्ड ऑफिस बने तो तहसील काउंसिलों ने पैसे देने हैं नादरा के, जिसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। उसकी बुनियाद पे नादरा ने आज पूरा मुल्तान ब्लॉक कर दिया है। अब कहीं से कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सकता वाइटल इवेंट्स का। तो उस वजह से प्रॉब्लम क्या आ रहा है, लोग तो काफी परेशान हो गए। पब्लिक परेशान है और पब्लिक का सारा प्रेशर, सारा गुस्सा इन सेक्टरी यूनियन काउंसिल पे है, इनके खिलाफ। आज मैंने खुद भी अपने खिलाफ दरखास्त लिख के एक साहिल को दी है कि आप डीसी साहब को दे दें। तो ये सूरत हाल है। और नादरा जो है वो इसमें शेयर लेने के बावजूद उसने मुसलसल हमें जो ऑनलाइन है उनके सिस्टम ब्लॉक कर दिए हैं, और जो ऑनलाइन यून काउंसिल्स नहीं है उनको सर्टिफिकेट, वो सिक्योरिटी पेपर नहीं दे रहे जिसपे सर्टिफिकेट इशू होता है। नादरा हुकाम के मुताबिक जो पेंडिंग शेयर से वो अभी तक अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये इकदाम उठाया गया और ये सेक्रेटरीज मुतालबा करें कि फौरी तौर पर सिस्टम बहाल किया जाए। बिलाल नियाज़ी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।